वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू शमीम बेक ब्लॉग। अभी मैं बना रही हूँ चाय। चाय के लिए मैं ले रही हूँ 3 कप जितना मिल्क, कर रही हूँ 3 टेबल स्पून चीनी और 2 इलायची, 3 टेबल स्पून चाय पत्ती। तो यहाँ पर चाय अच्छे से बॉईल हो चुकी है, अभी मैं इसको स्ट्रेन कर लेती हूँ। स्टोव को ऑफ कर रही हूँ, चाय मैं स्ट्रेन कर ली हूँ कप में, अभी दे देती हूँ हस्बैंड को। चलो इसकी रेसिपी बता रही हूँ। यहाँ पर मैं एक ऑनियन चॉप करके रखी हूँ, हाफ टमाटो चॉप करके रखी, थोड़ा सा कोकोनट ग्रेट करके रखी हूँ, थोड़ा सा मिंट और थोड़ा सा हरा धनिया और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जिंजर गार्लिक पे। यहाँ पर मैं मूंग की दाल 1 कटोरी लेके भिगो के रखी हूँ पानी में सोख होने के लिए। तो दाल भिगो के रखने से जल्दी गल जाती है, इसलिए यहाँ पर मैं चावल भून के दरदरा पीस के रखी हूँ। यहाँ पर मैं ली हूँ नमक स्वाद के अनुसार, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ली हूँ। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं कुकर ली हूँ, यहाँ पर मैं 1 चम्मच ऑयल ले रही हूँ, चुका अच्छे से गरम। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑनियन। ऑनियन अच्छे से फ्राई हो चुके, अभी मैं ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट भी फ्राई हो चुका, अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑनियन, कोकोनट, हरा धनिया, पुदीना सब। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सूखे मसाले। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मूंग की दाल जो भिगो के रखी थी। सारे मसाले फ्राई हो चुके, अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। पानी अच्छे से गर्म हो गया, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो चावल रखी थी वो, इसे अच्छा मिक्स कर लेना। उनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, अभी इसे कैप लगा देती हूँ। 3 विजल आई। आज कितनी यम्मी बनी है देखो। मैं टेंडर कोकोनट की पुडिंग बनाने के वास्ते पानी पूरा 1 मग में निकाल रही हूँ सेपरेट। यहाँ पर 1 बोल में मैं इसकी मलाई निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर है नारियल का पानी और यहाँ पर इसकी मलाई है। पर मैं 1 ग्लास नारियल पानी ले रही हूँ। यहाँ पर मैं 1 बोल में चाइना ग्रास को भिगो के रखी थी, अभी मैं इस पानी में ये चाइना ग्रास को ऐड कर देती हूँ। इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच जितनी चीनी। देखो यहाँ पर ये बॉईल हो रहा है अच्छे से, जेली का मिक्सचर। यहाँ पर ये अच्छे से पक चुका है, अभी मैं इसको 1 प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये बैलेंस जेली को मैं फिर से रख देती हूँ स्टोव के ऊपर। थोड़ा सा रोज मिल्क कलर के लिए, अभी ये भी अच्छे से बॉईल हो रहा है। अभी मैं स्टोव को ऑफ कर देती हूँ, अभी इसको निकाल लेती हूँ इस लीफ वाले ट्रे में। अभी इन दोनों को सेट होने दे। ईद स्पेशल स्वीट बनाई हूँ मैं 26वीं का, है देखो स्टार्स और मून कट कर को हूँ। देखो इसका लेयर भी देखो कितने अच्छे से आको है माशाल्लाह। चलो इसकी बनाने की रेसिपी बताती हूँ आप लोगों को। अभी मैं जार में पुडिंग बनाने के लिए ऐड कर रही हूँ कोकोनट का मलाई। सारी मलाई ऐड कर चुकी हूँ। मैं ऐड कर रही हूँ कंडेंस मिल्क, मिल्क मेड 1 बड़ा चम्मच ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें 1 चम्मच मिल्क पाउडर ले रही हूँ, 1 चम्मच मिल्क। अभी इसको ग्राइंड कर लेते हैं। देखो यहाँ पर इसका थिक सा पेस्ट बना ली हूँ मैं जार में। यहाँ पर मैं ये जो टेंडर कोकोनट का पानी बचा हुआ था वो ले रही हूँ 1/2 कप। इसमें ऐड करूंगी जो भिगो के रखी थी वो वाला चाइना ग्रास, मिक्स कर लेते हैं। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप जितना मिल्क। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1-2 चम्मच चीनी। ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून वेनिला एसेंस। यहाँ पर जेली अच्छे से सेट हो रहा है, इसको जेली को कट कर लेते हैं। इस तरह से सारा
जल्दी मैं कट कर चुकी हूँ। चलो इस वाला भी जल्दी मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। ट्रांसपेरेंट जेली, इसको डाल लेती हूँ। अभी इसमें बीच बीच में मैं व्हाइट कलर वाला भी डाल देती हूँ। अभी मैं इस वाले बैटर को इसमें ऐड कर रही हूँ। वाले कुकिंग को अभी मैं डाल दी हूँ एक प्लेट में। अभी इसको सेट होने के लिए रखती हूँ मैं दो आवर। सेट होने के बाद में मैं आप लोग को बताती हूँ। तो यहाँ पर कितना डिलीशियस और एमी पुडिंग बना है, देखो लेयर वाला। अभी मैं इसको कट करके बताती हूँ आप लोगों को। दाल बनाने के लिए मैं जो जो चाहिए वो बोल देती हूँ। यहाँ पर मैं 1.5 कप जितना तुअर की दाल वॉश करके रखी हूँ। यहाँ पर मैं टमाटर ली हूँ, 7 से 8 टमाटर, और थोड़ा सा हरा धनिया, और 2 ऑनियन चॉप करके ली हूँ, और गार्लिक 10 ले को हूँ, 10 कलियाँ। यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, और ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून। को यहाँ पर पानी पक रहा है, अभी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये तुअर की दाल। करूँगी टमाटर, ये जो मसाले थे वो भी ऐड कर दे करूँगी, ये सूखे मसाले, 1 स्पून ऑयल। बस करके 3 विजल आने के बाद दाल गल चुकी है। मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ ब्लेंडर की मदद से। देखो यहाँ पर मैं दाल ब्लेंड कर चुकी हूँ। अभी इसको तड़का लगा लेती हूँ। यहाँ पर मैं तड़का लगाने के लिए ऑयल ले रही हूँ 1 चम्मच जितना। यहाँ पर ऑयल हो चुका है गर्म, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑनियन। यहाँ पर ऑनियन गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, मैं अभी ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड सीड्स। करी पत्ता नहीं है इसलिए मैं बिना करी पत्ते के बघार रही हूँ। यहाँ पर मैं तड़का डाल चुकी हूँ दाल में। दाल हो चुकी है रेडी। मैं हम बनाएंगे खुशखा घी राइस। घी राइस के लिए ले रही हूँ मैं यहाँ पर 1 चम्मच ऑयल। यहाँ पर मैं मसाले वाला खुशखा बना रही हूँ। यहाँ पर 1 ऑनियन चॉप करके रखी हूँ, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और 1/2 टमाटर, पुदीना थोड़ा सा, और मूँग की दाल वॉश करके रखी हूँ। अभी ऑयल हो चुका है गर्म, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ऑनियन। यहाँ पर ऑनियन गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, मैं अभी ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर और मिंट। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। अभी मैं ऐड करूँगी मूंग की दाल। अब मैं ऐड करूँगी सॉल्ट, स्वाद के अनुसार सॉल्ट। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी पानी 1 जग। 1 गिलास चावल के लिए उसी गिलास से 2 गिलास पानी ऐड करना है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा येलो कलर, कलरफुल खुशखा बनाने के लिए। देखो यहाँ पर मैं येलो कलर यूज की हूँ। मैं एक चावल डाल चुकी थी, पानी पक रहा था तो चावल डाल चुकी हूँ। अभी ये गल रहा है अच्छे से, थोड़ी देर छोड़ के इसको दम पे छोड़ना है, उसके बाद में दिखा। यहाँ पर खाना भी दम हो चुका है, अच्छे से रेडी हो चुका है। फ्राई करने के लिए यहाँ पर ऑयल हो चुका है गरम। यहाँ पर मैं कबाब का मसाला मिक्स करके रख चुकी हूँ। अभी इसमें ऐड करूँगी ये कबाब को। देखो यहाँ पर कबाब अच्छे से फ्राई हो रहा है। देखो यहाँ पर चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अभी मैं इसको प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। देखो यहाँ पर चिकन माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है, एमी लग रहा है। देखो यहाँ पर कितना एमी शरबत बन के हो चुका है रेडी। चलो इसकी रेसिपी बताती हूँ मैं आपको कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मैं शरबत बनाने के लिए स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं ली हूँ 4 मग मिल्क। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून चीनी,
एक चम्मच सब्जा सीड्स, 2 चम्मच रू अफ़ज़ा ऐड कर रही हूँ। मैं ऐड कर रही हूँ रोज मिल्क एसेंस, टेंडर कोकोनट का जेली बना के रखी थी, एक वाइट वाला और एक रोज मिल्क वाला, इस जेली को भी ऐड कर देती हूँ। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ खतीरा गोन के क्यूब्स। देखो यहाँ पर कितना डिलीशियस और कितना एमी शरबत बन के हो चुका है रेडी। सलाम अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी को 26वीं इफ्तियारी मुबारक हो। दुआ में याद रखना। आइए आप सब इफ्तियारी करने के लिए, मिलती हूँ इफ्तियार के बाद। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन को प्रेस करिए पहले नोटिफिकेशन मिलने के लिए।